सो फाइनली दोस्तों और बॉयल हो चुका है और ये गत्ता करके तो इस तरीके से हम घुसे देते हैं। तो ये रहा गाइस, हम चार जन ही दो दो बेम्बू हमें मतलब फिश किया है यहाँ पे और अभी इसकी ढाल देंगे और कुछ इस तरह हमको देते हैं गाइस। देखिए कुछ स्पेशल हो रहा है हम लोग के लिए। हे गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा क्योंकि आप सुबह में देखोगे तो इसलिए गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा। तो अभी तो शाम 5:30 हो चुका है। अभी एक ब्लॉग खत्म किया है और एक ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा शुरू होगा तो इसलिए, और इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि शाम सुबह में तो बस बेम्बू सूट और नहीं बेम्बू सूट नहीं मशरूम और कुछ वगैरह खाया है हमने। और आज काम पे उठाने के बाद हम गया था बांग्लादेश जंगल में सब्जी ढूंढने के लिए। बस हम ये देखिए तो बेम्बू सूट ही मिला है गाइस, और ये देखिए बहुत सारा बेम्बू सूट मिला और यहाँ पे केकड़ा। सो केकड़ा भी बहुत मिल गया गाइस। ये देखिए बोलूँगा कि ये केकड़ा लेग पीस, बस यही बोलूँगा। और ये तो पूरा छिल के लाया है, ये सब चप चपा करके लाया है, बस धोना को बाकी है। और ये तो पूरा छिल के फेंक देना पड़ेगा गाइस, जो भी ये देखिए पूरा ये अच्छा से सफ़ा करना पड़ेगा इसकी जैसे। तो बस अभी बहुत ही गर्मी लग रहा है दोस्तों, आज अभी नहाने के लिए जाएंगे और साबुन तो नदी में गया था और अभी नहाने के लिए जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल अभी जाते हैं फटाफट, आते हैं नहाने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। क्यों गाइस गाइस गाइस, आज सभी को एक बात बता देता हूँ, तो बेम्बू सूट तो हम खाते हैं और हम लोग और एक तरीके से हम लोग खाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। जो पहले बॉयल करेंगे उसके बाद ही बेम्बू सूट के अंदर मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची यानी कि जो हम चटनी बनाते हैं ना, वो चटनी बेम्बू के अंदर हम घुसा के आज खाने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, और मेरे चैनल पे जो नया है जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो ये रहा दोस्तों, तो इसको हम अच्छा से बनाएंगे दोस्तों, और पहले से तो मतलब ये बॉयल करेंगे उसके बाद ही पकाएंगे, उसके बाद आप लोगों को तो बस देखते रहना दोस्तों, सब आप पता चल जाएगा वीडियो। तो पहले ये अभी सफा करेगा, जो भी खाने की लायक नहीं है उसको फेंक देगा, जो भी खाने की लायक है उसे। अरे ये ककड़ा कहाँ जा रहा है भाई, इसको तो टांगी तोड़ देना पड़ेगा इसको। ये रहा, अरे आपका टांगी तोड़ देता हूँ भाई इसको, और इसके बाद ये अच्छा से ये तो खा सकता है ना। नहीं यार नहीं, ओह अच्छा ये जरा बुड्ढा है भाई। मैं अंधा हूँ क्या? नहीं अंधा नहीं है, आप तो अच्छा है भाई, इसलिए तो आपको शादी किया है आपके साथ। अच्छा संभाल के। हाँ अच्छा अच्छा हो रहा है भाई। बस अभी हो गया है दोस्तों, तो ये एकदम सब सफा कर रही हैं और उसके बाद ही यहाँ डाल रही हैं गाइस। बस अभी हो गया है दोस्तों, तो अभी इसको हम आग में ही दे देंगे और उसके बाद बॉयल हो जाएगा। बॉयल करेंगे भाई अभी। हाँ बिल्कुल ही चूल्हा में, चूल्हा के ऊपर दे दिया है गाइस, और अभी अच्छा से बॉयल करेंगे। और ओ अच्छा ये पहले ढक देना पड़ेगा भाई, तो अभी अच्छा से पकने देंगे, बॉयल करने देंगे, उसके बाद ही आप लोगों को अच्छा से दिखाएंगे गाइस। और अभी केकड़े की बारी है गाइस, फिर अभी इसको सफा करेगा तो अच्छा से दिखाऊंगा आपको गाइस, जरूर एंड तक बने रहना। ये देखिए कुछ इस तरह, और जो गू है ना तो उसको फेंक देते हैं। ये भी उगल रहा है गाइस देखिए, और यहाँ में एक चीज़ लाया है मेरा भाई ने, तो ये देखिए वही, इसको हम पोटिंग गुल बोलते हैं, और इसको भी हम आज भी चटनी बना के खाना खाया। अच्छा तो और भी चटनी बना के खाएंगे गाइस,
तो ये रहा दोस्तों, फाइनली हमें निकाल लिया है पुतिंगुलों को। तो ये देखिए, और ये बंदा आज रात ही झींगा को पकड़ने के लिए जाएगा। ये देखिए, ये सेल बोलते हैं हम लोग का लोकल तरीके से, सेल बोलते हैं इसको। आज तो लाएगा ना? हाँ। आज तो आप तो पूरा पसीना पसीना निकल रही है आपके। सो गाइस, अभी मैं जाऊंगा जो फोइदी बोलते हैं हम उसको, मतलब फोइदे साग लाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जब हम मिर्ची बेम्बू के अंदर में डालेंगे ना और निकल जाएगा, तो इसलिए हम वो क्या बोलते हैं दाग देंगे गाइस। तो इसलिए मैं अभी जाऊंगा, पूरा रात हो चुका है गाइस। ये देखिए, और ये धान तो पूरा सो गया। तो ये रहा गाइस पौधे साग, तो इसको हम तोड़ के ले जाऊंगा। बस 10-11 साग लेने से, पट्टा लेने से ठीक रहेगा। ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये रहा। और बस दोस्तों अभी हो गया, तो अभी इसको ढक देंगे गाइस। तो घर आ गया है गाइस। तो ये देखिए, मैंने यहाँ रखा है पोहे साग, और ये तो अभी भी बॉयल हो रहा है। सो गाइस, ये देखिए चटनी भी रेडी हो चुका है गाइस, बेम्बू शूट के अंडर देने के लिए। थोड़ा सा काम लग रहा है हमको। ए, एक ता पिंकुरी गई है अंदर। सो फाइनली दोस्तों, और बॉयल हो चुका है, और ये गत्ता करके तो इस तरीके से हम घुसे देते हैं। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह हम चटनी को बेम्बू सूट के अंदर घुसा देते हैं, और उसके बाद ही ये जो पट्टे हैं पर उसको इसके मुंह पे देते हैं धाक। हाँ, और गुस्सा दो भाई। हाँ, होगा 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 होगा, कुछ इस तरह का है। और इसके अंदर पानी होता है ना, बेम्बू सूट के अंदर बहुत ही गर्म है गाइस। चटनी को कुछ इस तरह, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गर्मी तो होगा भाई, क्योंकि बॉयल किया ना गर्म पानी में। दिखाई नहीं दिया बाबू रत्ते। बहुत ही अच्छा हिंदी कहता हूँ मैंने। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। मुझे ज्यादा हिंदी और कोई आती है? पता नहीं, पूछ लो यहाँ से। कोई आती है क्या? आती नहीं, आता है क्या? तो ये रहा गाइस, हम चार जन ही, दो बेम्बू हमें मतलब पीस किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, सिर्फ 9 है। 9 है ना? अरे कोई बात नहीं, दो 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 मिल जाएगी ना। लगता है तुम 1, 2, 3 नहीं पढ़ती हो। मैंने फेल हो गया था। और यहाँ पे बेम्बू हो रहा है गाइस। और उसके बाद ही सदका भी दे देंगे, ये डाल देंगे ना। नहीं नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ऐसे खाएंगे। भाई क्या गजब का सीन है भाई, मैं यकीन नहीं हो रहा है भाई। ऐसे नहीं, सीधा लथावा देंगे। और क्या क्या करना पड़ेगा इसके साथ? नहीं, अच्छा ये अलग करके पकाना पड़ेगा। यस। अच्छा, मैंने तो सोचा है पूरा इसके साथ दे दोगे ये। हाँ इसके साथ देंगे तो कहाँ सख्त हो जाएगा। और टेस्टी नहीं आएगा, इसलिए दूसरा अलग करके पकाना पड़ेगा। जूल थलम थलम देंगे, ज्यादा जूल होगा तो। जूल को सूप कहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके देंगे। मैं जूल खाऊंगा, जो भी खाऊंगा। क्या करेगा वो चटनी? और ऐसे ही रख देगा क्या?
इसके साथ देंगे, इसके साथ देगा, जब सिदोला धाबा दोगे ना हाँ, तब उसके साथ ये देंगे। अच्छा, अगर उगरे उगरे मुरिस नहीं गुला जाएगा ना तो कैसे सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपका बात, तो ऐसे ही रहने दे बस, इसके साथ और चावल का पाउडर देना पड़ेगा ना। तो ये रहा गाइस, अभी इसको हो रहा है और अलग से ये देना पड़ेगा भाई, पकाना पड़ेगा। ज्यादा पावर हुआ नहीं नहीं, ज्यादा पावर जरा हाँ, सुबह प्यार प्यार हो जाएगा। और अभी इसको पकाने की बारी है दोस्तों, और यहाँ पे दे दिया है हम सीधोलो थाबा, तो यहाँ पे दे रहा है चटनी, और अभी इसकी ढाल देंगे, और कुछ इस तरह हमको देते हैं गाइस। देखिए कुछ स्पेशल हो रहा है हम लोग के लिए, ये देखिए गाइस, काफी अच्छा है ना। तो बस इसको पात ना जाए तो अच्छा से रहना पड़ेगा, जस्ट मिर्ची को निकल ना जाए। तो ऐसे ही हम पकने देंगे गाइस, और खाने के बाद आप लोग को मिलते हैं। गाइस फाइनली अभी देखिए अपना डिनर आ चुका है, तो ये है बेम्बो शूट और ये है वो वाला। हेलो गाइस, मैं बेम्बो शूट वाला, तो पहले मैं ये देखिए गाइस, ये देखिए कोई काफी यूनिक है देखिए, और इसे हमें दाग देते हैं यानी कि मुरिस निकल ना जाए, तो इसलिए हम दाग देते हैं इसकी। तो ये देखिए गाइस, ओ ये रहा, और उधर जो है वो पोतिंगुलो का चाटनी है गाइस, इधर 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 लाओ भाई, ये रहा गाइस, ये है पोतिंगुलो का चटनी, तो अच्छा से देखिए गाइस। और जो है केकर के साथ और रोसलिप हम बॉयल किया है वहाँ में, हाय हाय आ गया है गाइस, ये देखिए। तो ये रहा गाइस, तो पटापट अभी खाना खाते हैं। तो अभी इसको फूलते हैं, इसको पाड़ना ही होगा भाई, इस ये देखिए अभी पाड़ते हैं इसको, तो इसके अंदर हो गया है, ये देखिए गाइस। तो ये रहा चटनी, और ये भी जैसे भी हो खा सकता है गाइस। हेलो चुदी, वाह बस क्या ही मजा आ रहा है। गाइस आज का ब्लॉग यही पे एंड होता है, और मिलते हैं अगले ब्लॉग। तो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।